हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक ऐसी लड़की की कहानी देखेंगे जो दुनिया की सबसे अनलकी लड़की है, लेकिन फिर उसका सामना एक मैजिकल कैट से होता है और इससे उसकी लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। तो चलिए देखते हैं उसकी अमेजिंग स्टोरी को। तो मूवी के शुरू में हम सैम को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड हेजल के साथ वीडियोस बना रही है और पता चलता है कि वो दोनों यहाँ एक ऑर्फिनेज में रहती हैं। तभी अचानक उनका सारा सेटअप टूट जाता है और हेजल कहती है कि तुम्हारी किस्मत तो सच में बहुत खराब है और हमें तुम्हारे लिए गुड लक ढूंढना होगा। फिर वो अपने इकट्ठे किए हुए कुछ लकी आइटम्स उसे दिखाती है और बताती है कि अब मुझे बस एक लकी कॉइन की जरूरत है और फिर कोई न कोई मुझे अडॉप्ट जरूर कर लेगा। सैम उसे विश्वास दिलाती है कि वो उसके लिए कॉइन जरूर ढूंढ लाएगी और इससे उसका गुड लक और बढ़ जाएगा। तभी उनकी वार्डन वहाँ आती है और बताती है कि ईव नाम की सोशल वर्कर सैम को लेने आई है। हेजल ये सुनकर उदास हो जाती है क्योंकि बड़ी हो जाने के कारण सैम को अनाथालय छोड़कर जाना होगा। सैम वार्डन से रिक्वेस्ट करती है कि मैं हेजल के अडॉप्ट होने तक यही रुकना चाहती हूँ, लेकिन वार्डन कहती है कि अब तुम 18 साल की हो चुकी हो और रूल्स के हिसाब से तुम्हें मूव करना होगा। वो उसे फ्राइडे वाले दिन विजिटिंग आवर्स में आने को कहती है क्योंकि हेजल की फोस्टर फैमिली भी उसी दिन आ रही है और सैम को भी उसकी बात माननी पड़ती है। फिर वो हेजल से प्रॉमिस करती है कि फ्राइडे को मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी और होपफुली मेरे पास तुम्हारा लकी कॉइन भी होगा। बाहर ईव उसे उसका सामान देती है जिसमें उस वक्त की पिक्चर है जब पहली बार किसी ने उसे अडॉप्ट किया था, लेकिन अनलकी होने के कारण वो ज्यादा दिन उनके साथ नहीं रह पाई और तब से काफी सारी फैमिलीज उसे रिजेक्ट कर चुकी हैं। ईव उससे आगे के प्लान के बारे में पूछती है और सैम बताती है कि उसने एक स्टोर में अपने लिए जॉब ढूंढ ली है और कल सुबह उसे ज्वाइन करना है। आगे सैम अपने अपार्टमेंट की चाबी को भी गटर में गिरा देती है और ईव एक नई चाबी देकर बोलती है कि जल्दी ही तुम्हारा लक चेंज हो जाएगा। सुबह भी हम उसके बैड लक की कुछ झलकियां देखते हैं जहां वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती, लेकिन किसी तरह मैनेज करते हुए अपनी जॉब तक पहुंच जाती है। वहां वो अपने बॉस मार्विन से मिलती है जिसे लगता है कि सैम उसके स्टोर के लिए बेस्ट चॉइस है, लेकिन जल्दी ही उसका ये भ्रम टूट जाता है और वो देखता है कि सैम ने तो स्टोर में तबाही मचा दी है। तंग आकर वो सैम को बाहर ले आता है और कहता है कि शॉपिंग कार्ट संभालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अगले दिन सैम हेजल से मिलने जाती है जहां वार्डन से पता चलता है कि हेजल की फोस्टर फैमिली ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया है, लेकिन साथ ही वो ये भी बताती है कि संडे को एक नई फैमिली आने वाली है। फिर सैम हेजल से मिलती है जो अडॉप्ट ना होने के कारण बहुत दुखी है और सैम उसे यकीन दिलाती है कि जल्दी उसे एक अच्छी सी फैमिली मिल जाएगी, लेकिन हेजल को लगता है कि उसका गुड लक कहीं रुका हुआ है और वो सैम से उस लकी कॉइन को जल्दी से ढूंढने को कहती है। आगे हम सैम को एक सैंडविच खाते हुए देखते हैं और तभी एक ब्लैक कैट कहीं से आकर उसके पास बैठ जाती है। सैम भूखा समझकर सैंडविच का एक टुकड़ा उसे देती है और कहती है कि काश मेरी लाइफ भी तुम्हारी तरह टेंशन फ्री हो सकती, लेकिन मेरा बैड लक तो मुझसे भी दो कदम आगे चलता है और शायद इसका साया हेजल पर भी पड़ गया है। तभी वो कैट वहाँ से उठकर भाग जाती है और सैम देखती है कि नीचे जमीन पर एक कॉइन पड़ा हुआ है और वो उसे उठाकर अपनी पॉकेट में रख लेती है। सुबह आँख खुलने पर वो देखती है कि आज उसके सारे काम अच्छे से हो रहे हैं, जैसे होमवर्क अपलोड होना, मैचिंग सॉक्स मिलना और यहाँ तक कि उसका शावर भी काम कर रहा है। तभी उसकी पॉकेट से वो कॉइन निकल कर गिरता है जिस पर अजीब से डिजाइन बने हुए हैं और उसे लगता है कि शायद ये कोई लकी कॉइन है। वो उस कॉइन को टेस्ट करके देखती है और उसे कंफर्म हो जाता है कि ये सच में एक लकी कॉइन है। फिर वो अनाथालय में वार्डन को कॉल करती है और बताती है कि शाम को मैं हेजल को एक सरप्राइज देने वाली हूँ। स्टोर में भी उसका दिन बहुत अच्छा जाता है और मार्विन को यकीन नहीं होता कि एक ही दिन में वो इतनी एफिशिएंट कैसे बन गई। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था क्योंकि सैम गलती से उस कॉइन को एक टॉयलेट में गिरा देती है और उसे निकालने के चक्कर में वो फ्लश हो जाता है। शाम को सैम उसी ब्लैक कैट से मिलती है और उसे बताती है कि कैसे कल उसे यहाँ से एक लकी कॉइन मिला था, लेकिन उसने गलती से उसे फ्लश कर दिया। ये सुनकर वो कैट चौंक जाती है और कहती है कि ये आखिर तुमने क्या कर दिया। सैम भी उसे बोलता देखकर बहुत हैरान होती है और तभी वो देखती है कि उसके कॉलर पर भी कॉइन जैसा डिजाइन बना हुआ है और वो समझ जाती है कि वो कॉइन इसी कैट ने मुझे दिया था। वो कैट से वैसा ही एक और कॉइन देने को कहती है, लेकिन देखती है कि कैट तो उससे डरकर भाग रही है। वो भी उसका पीछा करती है, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी कैट उसके हाथ नहीं आती और इससे सैम उदास हो जाती है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो देखती है कि पीछे गली में वो कैट बैठी हुई है जो एक पोर्टल खोलकर उसमें कूद जाती है।
सैम को ये सब थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कॉइन लेने के चक्कर में वो भी उसके पीछे उस पोर्टल में चली जाती है और वो उसे एक दूसरी दुनिया में ले आता है। कैट उसे वहाँ देखकर डर जाती है और कहती है कि एक इंसान को यहाँ नहीं आना चाहिए था। सैम कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन उसके बदले मुझे एक लकी कॉइन चाहिए। तब कैट उसे बताती है कि तुम इस वक्त गुड लक सिटी में हो और अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तभी कुछ आवाज सुनकर वो सैम को छुपने को कहता है और वो देखती है कि दो लेप्रिकॉन्स वहाँ उससे मिलने आए हैं। पता चलता है कि इस कैट का नाम बॉब है और जो कॉइन सैम ने घुमाया था वो ये कैट्स अपने ट्रेवल के लिए यूज करती हैं और बिना इसके बॉब सिटी के अंदर नहीं जा सकता। सैम को ये भी पता चलता है कि सिटी के अंदर एक कॉइन डिपो है जहाँ से ये सारे कॉइन्स इशू किए जाते हैं और वो बॉब से कहती है कि क्यों ना हम अंदर जाकर एक और कॉइन ले आए जिससे हेजल के साथ साथ तुम्हारी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बॉब भी कुछ सोचकर उसकी बात मान जाता है और सैम कहती है कि फिलहाल अंदर जाने के लिए तुम मेरे बटन का यूज कर सकते हो। आगे उनका सामना एक कैप्टन नाम के लेप्रिकॉन से होता है जो यहाँ की सिक्योरिटी हेड है, लेकिन उस बटन की मदद से बॉब और सैम उससे बच निकलते हैं। फिर बॉब उसे लेप्रिकॉन्स के लॉकर रूम में ले आता है और बताता है कि ये मेरे दोस्त जेरी का लॉकर है जिसकी जॉब इस वक्त कॉइन डिपो में है। सैम वो कपड़े पहनकर एक लेप्रिकॉन बन जाती है और बॉब सबको बताता है कि ये लेटविया नाम के एक मैजिकल कंट्री से आई है जहाँ के लेप्रिकॉन्स बहुत बड़े होते हैं। आगे वो जेरी से मिलने उस कॉइन डिपो में आते हैं जो सैम के साइज को देखकर बहुत इम्प्रेस होता है और तब बॉब उसे कहता है कि सैम कॉइन डिपो का एक टूर करना चाहती है। जेरी इसके लिए तैयार हो जाता है और बताता है कि आज हम कॉइन्स को पॉलिश करने वाले हैं और तुम भी इसमें हमारी मदद कर सकती हो। सैम वहाँ उन कॉइन्स को चुराने की कोशिश करती है लेकिन देखती है कि एक सकिंग मशीन उन्हें खींचकर ऊपर ले जाती है और तभी उसके हाथ में अपना खुद का बटन आ जाता है। जल्दी ही सैम के बैड लक से वहाँ गड़बड़ हो जाती है और वो बटन भी उससे छूटकर उस मशीन में चला जाता है। लेप्रिकॉन्स बिल्डिंग को खाली करा लेते हैं और बॉब सैम को बताता है कि अब कैप्टन को बटन के बारे में पता चल जाएगा और हमें कॉइन को भूलकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी उनसे मिलने जेरी वहाँ आता है और सैम उसे सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे वो यहाँ एक कॉइन चुराने आए थे। जेरी ये सुनकर घबरा जाता है और कहता है कि कैप्टन इसके लिए तुम्हें बैड लक सिटी में भेज देगी जो गुड लक सिटी के ठीक नीचे बनी हुई है। फिर वो उन्हें एक बनी ड्रोन के बारे में बताता है जो किसी भी खोए हुए कॉइन को ढूंढ सकता है, लेकिन उसे चलाने के लिए लक क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी। फिर वो सब उस लक क्रिस्टल को लेने जाते हैं जिसे बनाने वाले कुछ पिग फोरमैन हैं और सैम वहाँ एक बड़े से ड्रैगन को देखती है। जेरी बताता है कि ये गुड लक सिटी की मेयर बेब है और इसके पास ऐसी पावर्स हैं जिससे ये बैड लक को कहीं से भी स्मेल कर सकती है। आगे हम उन पिग्स को वो क्रिस्टल बनाते हुए देखते हैं और वो उसमें से एक को चुरा लेते हैं। फिर जेरी उन्हें कंट्रोल रूम में जाने को कहता है और खुद उस बनी ड्रोन को एक्टिवेट करने जाता है। इधर बॉब सैम को रैंडमाइजर मशीन दिखाता है जिस पर गुड लक और बैड लक के दो स्टोन्स लगे हुए हैं जो गुड लक और बैड लक के क्रिस्टल्स को अपनी ओर खींचते हैं और फिर सप्लाई लाइंस के थ्रू उन्हें दुनिया भर में पहुंचाते हैं। आगे हम उन्हें उस ड्रोन को एक्टिवेट करते हुए देखते हैं जो पोर्टल से निकलकर सिटी के सीवर प्लांट में जा पहुंचता है और वहां उस कॉइन को ढूंढ लेता है। तभी वो स्क्रीन पर कैप्टन को देखते हैं जिसे बटन की सच्चाई का पता चल जाता है और वो कहती है कि जल्दी ही मैं उस चोर को ढूंढ निकालूंगी। इधर ड्रोन पैनी लेकर वापस आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि जेरी उसे पकड़ पाए वैक्यूम उसे खींचकर बैड लक सिटी में ले जाता है। तब जेरी उन्हें बताता है कि ड्रोन पहले सॉर्टिंग फैसिलिटी में जाएगा जो बैड लक और गुड लक सिटी के बीच में बनी हुई है और सैम और बॉब उसे लेने चले जाते हैं, लेकिन सैम से बटन दबाने में गलती हो जाती है और इससे वो सीधा नीचे बैड लक सिटी में आ जाते हैं जिसकी ग्रेविटी गुड लक सिटी से बिल्कुल अलग है। वहाँ एक एक्सीडेंट से वो दोनों अलग हो जाते हैं और बॉब सैम को सॉर्टिंग फैसिलिटी में आने का रास्ता बताता है जो टावर नंबर 13 से होकर निकलेगा और कहता है कि मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। सैम देखती है यहाँ तो हर तरफ मॉन्स्टर भरे हुए हैं और उनसे बचते हुए वो एक रूम में छुप जाती है जहाँ एक बॉक्स में कुछ गुड लक क्रिस्टल्स रखे हुए हैं। वहाँ से निकलकर वो बैड लक सिटी में आती है और थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करने के बाद फाइनली उस टावर 13 तक पहुँच जाती है। यहाँ उसे बॉब का बताया वो सीक्रेट रास्ता नजर आता है और उससे होते हुए वो सॉर्टिंग फैसिलिटी में आ जाती है जहाँ बॉब दूसरी तरफ उसका वेट कर रहा है। यहाँ उनका सामना जेफ नाम के एक यूनिकॉर्न से होता है जो नेचर वाइज बहुत फ्रेंडली है और उसका काम है अपनी मशीन से बैड लक को रैंडमाइजर में भेजना।
यहाँ ये भी पता चलता है कि जेफ बेब का पुराना प्रेमी है, लेकिन अब वो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलते क्योंकि बेब को बैड लक बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर जेफ उन्हें उनका ड्रोन वापस करता है, लेकिन बताता है कि कॉइन को तो मैंने कॉइन डिपो में भेज दिया है ताकि उसकी अच्छे से सफाई हो सके। बॉब को लगता है कि अब उन्हें कैप्टन से कोई नहीं बचा सकता, और तब सैम उसे अपना आइडिया बताती है कि वो बैड लक क्रिस्टल लेकर बेब से मिलने जाएगी और हो सकता है कि वो मदद करने के लिए उसे एक लकी कॉइन दे दे। बेब भी इस अनोखी लेप्रिकॉन को देखकर बहुत इम्प्रेस होती है, लेकिन देखती है कि उसके पैर में तो एक बैड लक क्रिस्टल चिपका हुआ है जिसका असर काफी दिन तक रहता है। सैम भी अनलकी होने की एक्टिंग करती है और जैसा कि उसने सोचा था, बेब उसे अपना एक लकी कॉइन देती है और कहती है कि ये तुम्हारे बैड लक को खत्म कर देगा। सैम उसे लेकर वापस बॉब के पास आती है, लेकिन देखती है कि कैप्टन ने उसे पकड़ लिया है और वो उसे बैड लक सिटी में ट्रांसफर करने वाली है। सैम तुरंत जाकर उसे रोक लेती है और वो कॉइन देकर कहती है कि बॉब ने गलती से इसे गिरा दिया था। कैप्टन को बॉब को छोड़ना पड़ता है और बॉब सैम से पूछता है कि ये कॉइन तो तुम हेजल को देना चाहती थी। तब सैम कहती है कि तुम्हें फंसाकर मैं हेजल की मदद नहीं करना चाहती, और वैसे भी मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसमें हमें कॉइन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर वो बॉब को लेकर जेफ की बैड लक मशीन के पास आती है और कहती है कि अगर मैं इसे ही बंद कर दूं तो दुनिया में बैड लक जाना बंद हो जाएगा और हमारी सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। जेफ से छुपते हुए वो उसकी मशीन को बंद कर देते हैं और देखते हैं कि दुनिया में अब बस गुड लक ही जा रहा है। फिर वादे के मुताबिक सैम वहाँ से वापस जाने लगती है, लेकिन पता चलता है कि वैक्यूम से बैड लक लीक हो रहा है। इधर जेफ भी अपनी मशीन को देख लेता है और भागकर उसे स्टार्ट करने जाता है। बॉब और सैम उस रैंडमाइजर को चेक करने आते हैं और तभी एक तेज प्रेशर के साथ बैड लक पूरे गुड लक सिटी में फैल जाता है। इससे वहाँ की सारी फैसिलिटीज नष्ट हो जाती हैं और सप्लाई लाइन से सिर्फ बैड लक दुनिया में जाने लगता है। इसका असर हेजल की किस्मत पर भी पड़ता है और वो देखते हैं कि उसकी फोस्टर फैमिली आज भी नहीं आई। बेब भी सिचुएशन को चेक करने आती है और देखती है कि रैंडमाइजर के दोनों स्टोन नष्ट हो गए हैं और इससे लक की सप्लाई लाइन पूरी तरह से बंद हो गई है। यहाँ बेब को सैम की सच्चाई का भी पता चलता है और वो कहती है कि देखो तुम्हारी गलती ने क्या कर दिया और अब दुनिया में गुड लक और बैड लक नाम की कोई चीज नहीं है। कैप्टन और जेरी भी बॉब से बहुत डिसअपॉइंट होते हैं और वो सैम से कहता है कि ये सब मेरी ही गलती है और मुझे तुम्हें पहले ही वापस भेज देना चाहिए था। सैम इसे ठीक करने का तरीका पूछती है, लेकिन बॉब कहता है कि बिना स्टोन के रैंडमाइजर चालू नहीं हो सकता और स्टोन्स बनाने के लिए हमें क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर सैम को कुछ याद आता है और वो बताती है कि उसने बैड लक सिटी में कुछ गुड लक क्रिस्टल देखे थे और वो उसे लेने वापस नीचे जाते हैं। सैम उन्हें उस रूम तक लेकर आती है और पता चलता है कि ये तो एक मॉन्स्टर बार है जिसका मालिक रूटी नाम की एक जाइंट रूट है और वो और बॉब एक दूसरे को पहले से जानते हैं। सैम रूटी को ऊपर हुई प्रॉब्लम के बारे में बताती है और कहती है कि हम यहाँ कुछ गुड लक क्रिस्टल्स लेने आए हैं। तब रूटी उन्हें एक जार दिखाता है जिसे गुड लक के लिए उसने अपने गेम मशीन में लगाया हुआ था और कहता है कि इसे तुम अपने साथ ले जा सकते हो और जैसे ही रैंडमाइजर ठीक हो जाएगा मैं इन्हें फिर से इकट्ठा कर लूंगा। सैम उसे कुछ बैड लक क्रिस्टल भी मांगती है और उन्हें लेकर वो बेब के पास आ जाते हैं और हम देखते हैं कि जेफ भी उनके साथ आया है। बेब जेफ को दोबारा देखकर बहुत खुश होती है और तब वो उसे वो जार दिखाते हैं। जेफ बेब से कहता है कि तुम्हारी आगे इन क्रिस्टल्स को स्टोन में बदल सकती है और बेब भी ऐसा करने में बिल्कुल देर नहीं करती। जल्द ही वो क्रिस्टल्स स्टोन में बदल जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि बेब ने गुड लक के दो क्रिस्टल्स बनाए हैं। सैम उससे इसका कारण पूछती है और बेब बताती है कि अब मशीन में बस गुड लक स्टोन ही लगेंगे क्योंकि वो दुनिया से बैड लक को हमेशा के लिए मिटाना चाहती है। फिर वो स्टोन्स को उस मशीन पर लगाने लगती है, लेकिन सैम कहती है कि मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। वो बैड लक सिटी की उल्टी ग्रेविटी का फायदा उठाती है और बेब से पहले मशीन के दूसरे होल तक पहुंच जाती है। वो कहती है कि दुनिया को गुड लक के साथ साथ बैड लक की भी जरूरत है और ये दोनों मिलकर ही इस बैलेंस को बना सकते हैं। लेकिन बेब का मानना है कि बैड लक हमेशा चीजों को बिगाड़ने का काम करता है और गुड लक सिटी का ये हाल भी उसी की वजह से हुआ है। तब सैम उसे बताती है कि यहाँ जो कुछ हुआ वो सब मेरी गलती है और बैड लक मॉन्स्टर्स तो असल में तुम्हारी मदद करने आए हैं। फिर वो बेब को जेफ की याद दिलाती है कि कैसे वो हमेशा से उसे बहुत प्यार करता है और बेब भी उसकी बात समझ जाती है। आगे वो बैड लक स्टोन को उसकी जगह पर लगाते हैं और इससे रैंडमाइजर फिर से एक्टिवेट हो जाता है।
उसकी पावर जल्दी ही लक के बैलेंस को रिस्टोर कर देती है और वहाँ सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। सप्लाई लाइंस भी फिर से शुरू हो जाती हैं और सैम देखती है कि हेजल को भी फाइनली एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है। आगे वो सब बेब के साथ उस मॉन्स्टर बार में आते हैं और रूटी को वो गुड लक स्टोन गिफ्ट करते हैं। बेब भी उनसे अपनी सारी दुश्मनी भुला देती है और हम लोग मिलकर उन्हें पार्टी करते हुए देखते हैं। कैप्टन बॉब से वापस जॉब पर आने को कहती है, लेकिन उसने तो कुछ और ही सोच रखा था और वो कहता है कि अब से मैं सैम की फैमिली बनकर रहना चाहता हूँ, और सैम ये सुनकर उसे गले से लगा लेती है। आगे का सीन एक साल बाद का है, जहाँ सैम ने अपने बैड लक को एक्सेप्ट कर लिया है और फिर वो बॉब को लेकर हेजल से मिलने जाती है। एंड सीन में हम उन तीनों को मस्ती करते हुए देखते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।